नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में आज कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई चिटफंड घोटाला मामले में आज शिलांग में कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ जारी रखेगी। प्रयागराज में कुंभ में बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे और अंतिम शाही स्नान में लाखों लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण फंसे 300 से अधिक विद्यार्थियों सहित 538 लोगों को सुरक्षित निकाला और भारत तथा न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीमों का तीसरा और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच अब से थोड़ी देर बाद हैमिल्टन में शुरू होगा। हैमिल्टन में ही न्यूजीलैंड के साथ पुरुष टीम का भी तीसरा और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच आज खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में गुंटूर, तमिलनाडु में तिरुपुर और कर्नाटक में हुबली में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में प्रधानमंत्री इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के 1.33 मिलियन टन क्षमता का विशाखापत्तनम पेट्रोलियम रिजर्व राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल और प्राकृतिक गैस निगम की वशिष्ठ और S1 विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से आंध्र प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में गैस आधारित औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री तिरुपुर में एक सरकारी समारोह में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रधानमंत्री तिरुपुर में ईएसआईसी अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस 100 बिस्तरों के इस अस्पताल से 1,00,000 से अधिक श्रमिकों और उनके परिवारों को समुचित चिकित्सा सुविधा मिलेगी। वे चेन्नई में 470 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी त्रिची हवाई अड्डे के नए भवन की आधारशिला रखेंगे और चेन्नई हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण का शुभारंभ करेंगे। वे भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का एन्नोर टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चेन्नई बंदरगाह से चेन्नई पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की मनाली रिफाइनरी तक कच्चे तेल की नई पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। तिरुपुर से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। बाद में प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे जिसका आयोजन तिरुपुर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। प्रधानमंत्री आज शाम कर्नाटक के हुबली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की आधारशिला रखेंगे। वे धारवाड़ में नगर गैस वितरण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी की उपस्थिति में धारवाड़ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बनाए गए 2,348 मकानों का ई गृह प्रवेश संपन्न होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से शिलांग में सीबीआई कार्यालय में आज पूछताछ जारी रखेगी। कल पूछताछ लगभग 8 घंटे चली थी। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कोलकाता के पुलिस आयुक्त को शारदा चिटफंड घोटाले के मामलों में पूछताछ के लिए सीबीआई के समक्ष उपस्थित रहने और सहयोग देने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस बीच सीबीआई ने राज्यसभा सदस्य और तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष को आज घोटाले की पूछताछ के दौरान उपस्थित रहने को कहा है। जम्मू कश्मीर में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के 319 परीक्षार्थियों समेत 538 लोगों को भारतीय वायुसेना की अलग अलग उड़ानों में श्रीनगर से जम्मू लाया गया है। ये परीक्षार्थी आज होने वाली परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। रक्षा प्रवक्ता ने कल बताया कि वायुसेना अपनी विशेष उड़ानों से परीक्षार्थियों, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को जम्मू लाई। ये लोग जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण वहां फंस गए थे। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक सत्यजीत बिस्वास की हत्या के सिलसिले में पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नादिया जिले में मजदिया के फुलबारी में कल रात एक समारोह में कृष्णगंज निर्वाचन क्षेत्र के विधायक पर गोली दागी गई। घटना की सीआईडी जांच शुरू कर दी गई है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और देखरेख हर कोई हर रोज हमेशा। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे मीनू, तुम मुन्नी को टीका लगवाने नहीं गई? नहीं दीदी, वहाँ जाती तो काम पर कैसे आती? तुम तो जानती ही हो, जिस दिन काम नहीं किया उस दिन रोटी कहाँ से आएगी। अच्छा, और टीके ना लगवाने से मुन्नी की जान पर बनाई तो? कैसी बात कर रही हो दीदी, मैंने मुन्नी को एक बार तो टीका लगवाया है ना। एक बार तो रोटी भी खाई थी, तो क्या अब छोड़ देगी? नहीं, वो मैं अगर मुन्नी को जानलेवा बीमारियाँ जैसे खसरा, निमोनिया, गलघोटू और रुबेला से बचाना है तो उसे आशा दीदी और ANM बहन जी के बताए सभी टीके सही समय से लगवाना बहुत जरूरी है। सच कहती हो दीदी, मैं अपनी मुन्नी की जान को कोई खतरा होने नहीं दूंगी। मैं अभी छुट्टी लेती हूँ और मुन्नी का टीकाकरण कराने जाती हूँ। जो रोग टीकों से बचाए जा सकते हैं, उन रोगों से सुरक्षा हर शिशु का अधिकार है। अपने मुन्ने मुन्नी का टीकाकरण सही समय से कराएं और उन्हें जानलेवा बीमारियों से बचाएं। याद रहे, 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज बसंत पंचमी है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और मां सरस्वती की पीले और सफेद रंग के फूलों से पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश में आज प्रयागराज में कुंभ मेले में बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरा और अंतिम शाही स्नान चल रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मेला प्रशासन ने सुचारू आवागमन के लिए प्रबंध किए हैं और कुंभ क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं है। बसंत पंचमी के अवसर पर आज 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान करने की उम्मीद है, क्योंकि यह इस मेले का अंतिम शाही स्नान है। मेला प्रशासन के मुताबिक कल तक ही 60 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके थे। बसंत पंचमी से पहले मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के अवसर पर भी शाही स्नान हो चुके हैं। इसी बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को निर्देश दिया कि कुंभ मेले में नदी में स्नान करने वाली महिलाओं की कोई भी तस्वीर किसी भी प्रिंट या दृश्य मीडिया द्वारा प्रकाशित प्रसारित नहीं की जानी चाहिए। प्रयागराज में मेला क्षेत्र 3200 हेक्टेयर से ज्यादा में फैला है। 15 जनवरी से शुरू हुआ कुंभ मेला 4 मार्च को महाशिवरात्रि के साथ समाप्त होगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, कुंभ नगरी, प्रयागराज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की है कि वसंत ऋतु के आगमन और ज्ञान की पूजा से जुड़ा ये त्यौहार परिवार, समाज और देश में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करेगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने कुलगाम के देवसर इलाके के केलाम गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल जैसे ही संदिग्ध स्थान के निकट पहुंचे, वहां छिपे आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आकाशवाणी को बताया। ये रात को खास इतला के ऊपर ऑपरेशन किलम गांव है कुलगाम में, उस वहां लॉन्च किया था। 3 से 5 मिलिटेंट होने की खबर है और जयाल पदर से वाबस्ता है और ऑपरेशन उम्मीद है कि जल्दी खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक और गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोटेक 2019 का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में देश के तेल और गैस क्षेत्र में हाल ही में हुए निवेशक और बाजार के हित में हुए घटनाक्रम को उजागर किया जाएगा।
इस सम्मेलन में 70 देशों के 86 से अधिक प्रमुख वक्ता और 7000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इनमें प्रौद्योगिकीविद, वैज्ञानिक, नीति निर्धारक, प्रबंधन विशेषज्ञ, उद्यमी, सेवा प्रदाता और विक्रेता शामिल हैं। इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में 13 देशों के मंडप लगाए गए हैं और 40 से अधिक देशों की लगभग 750 कंपनियां और संगठन इसमें भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनी में मेक इन इंडिया और नवीकरणीय ऊर्जा विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पेट्रोटेक शिखर सम्मेलन में विभिन्न स्टार्टअप कंपनियां भी अपनी अपनी प्रौद्योगिकी और विकास का प्रदर्शन करेंगी। दिल्ली से सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ किरण शर्मा। विश्व सरकार सम्मेलन आज दुबई में आरंभ हो रहा है। सम्मेलन में दुनिया की भावी सरकारों की रूपरेखा और वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए संगठित प्रयासों पर विचार विमर्श होगा। 3 दिन के इस आयोजन में 140 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। 7 प्रमुख विषयों पर 200 से भी अधिक सत्र और विचार मंच आयोजित किए जाएंगे। क्रिकेट में भारतीय महिला और पुरुष दोनों टीमों का आज हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की 2020 श्रृंखला का अंतिम मुकाबला होगा। महिला टीम का मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 बजे से और पुरुष टीम का मैच दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। जमीन के नीचे पानी का स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। कई गांवों में नल और कुएं सूखे हुए हैं और पानी के लिए उन्हें मीलों दूर जाना पड़ता है। उनकी पानी की समस्या को आप दूर कर सकते हैं अपना डोनेशन देकर। डोनेशन देने के लिए पानी का नल कहीं व्यर्थ खुला देखें तो बंद कर दें। आपका ये छोटा सा डोनेशन है पर्यावरण में बड़ा योगदान, और यही है आपका ग्रीन गुड डीड। ग्रीन गुड डीड्स मतलब कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण हित में जारी। खुजली झटपट दूर करे मोहजालिन लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद चंद्रिका। समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री के कल अरुणाचल प्रदेश दौरे में पूर्वोत्तर को विभिन्न परियोजनाओं की सौगात की खबर चित्र के साथ दी है। जनसत्ता, अमर उजाला और राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है प्रधानमंत्री के दौरे से बौखलाए चीन को करारा जवाब। प्रवर्तन निदेशालय की रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ को अखबारों ने अहमियत दी है। उधर शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई के समक्ष कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पूछताछ के लिए हाजिर होने को भी अखबारों ने विस्तार से दिया है। जहरीली शराब से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुई मौतों पर हिंदुस्तान ने लिखा है सियासी साजिश की आशंका। जनसत्ता ने लिखा है कल छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर अवैध शराब बरामद। देशबंधु लिखता है ताबड़तोड़ छापे 118 लोग गिरफ्तार। रेल पटरियों पर राजस्थान में गुर्जर समुदाय के फिर से डटने को अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। 5% अलग से आरक्षण पर अड़े लोग प्रदर्शन पर उतरे। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है कई ट्रेनें रद्द, कई मार्ग बदले। हरिभूमि ने बॉक्स में चुनाव आयोग के इस परामर्श को विस्तार से दिया है। वोटर लिस्ट से नाम कटने की झूठी कॉल से सावधान रहें दिल्ली वाले। चुनाव आयोग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया, कहा भ्रामक फोन कॉल पर विश्वास न करें, नाम कटने या जोड़ने का अधिकार केवल निर्वाचन आयोग के पास। दिल्ली हवाई अड्डे पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अवैध रूप से रखने पर महिला की गिरफ्तारी हरिभूमि में है। प्रयागराज में कुंभ में आज तीसरा शाही स्नान होने तथा बसंत पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की खबर भी अखबारों में है। राजस्थान पत्रिका ने कश्मीर में बर्फबारी के बाद बर्फ से ढके रिहायशी इलाकों के चित्र मुखपृष्ठ पर दिए हैं। अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और पंजाब केसरी ने बसंत पंचमी के अवसर पर विशेष आलेख दिए हैं। दैनिक ट्रिब्यून ने बसंत का उल्लास शीर्षक से पटियाला में पीले परिधान पहने पतंग उड़ाती महिलाओं के चित्र दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में आज कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई चिटफंड घोटाला मामले में आज शिलांग में कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ जारी रखेगी। प्रयागराज में कुंभ में बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे और अंतिम शाही स्नान में लाखों लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण फंसे 300 से अधिक विद्यार्थियों सहित 538 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।